अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, जो बहुत ही इजी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, इसके लिए क्या क्या मैंने यहाँ पर लिया है। 1 किलो चावल, इसे मैंने 1 घंटे के लिए वॉश करके रखा है। 1 किलो मैंने मटन लिया है, इसे भी मैंने वॉश करके रखा है। 1/2 कप से ज़्यादा हमने टमाटोस लिए हैं। पुदीना मैंने 1 कप लिया है। मेथी के बाजी मैंने लिया है 1 कप। धनिया, हरा धनिया मैंने लिया है 1 कप। मिंट लीव्स, फेनिग्रीक लीव्स, कोरिएंडर लीव्स 1 कप। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 किलो मटन के लिए 1 कप जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 कप दही लिया है मैंने, यानी कर्ड। 1 कप रॉक प्याज लिया है। मसालों में मैंने लिया है लेमन सॉल्ट 1/4 टीस्पून, टेस्टिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून, यहाँ क्यूमिन सीड्स मैंने यहाँ पर लिया है, क्लॉस, कार्डमम, सिनेमन स्टिक यानी लौंग, इलायची और चकला मैंने लिया है। मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ सॉल्ट मैंने हसबेंड ऑयल, नमक लिया है 1 टीस्पून। मैंने यहाँ पर लेमन जूस लिया है, थोड़ा सा कलर लूँगी। 1 कप ऑफ ऑनियन, इसे मैंने फ्राई करके रखा है, और तेल मैं लूँगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है, इसे गर्म होने दें। इसमें मैं ऐड करूँगी 3 से 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल यानी तेल। 3 से 4 चम्मच मैंने तेल यूज़ किया है। इसे गर्म होने दें। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी क्यूमिन सीड्स और खड़े मसाले, लौंग, इलायची और चकला। इसमें मैं ऐड करूँगी ऑनियन। इसे 2 से 3 मिनट तक पका लें। इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 कप, इसे भी पका लें। इसे भी 2 से 3 मिनट तक पका लें। इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, इसे भी 2 से 3 मिनट तक पका लें। इसमें मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी, इसे भी 2 से 3 मिनट तक पका लें। इसमें मैं ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, फेनिग्रीक लीव्स, इसे भी 2 से 3 मिनट तक पका लें। हमारा ऑयल छूटने लगा है, इसमें मैं ऐड करूँगी अपना मटन, गोश्त को भी अच्छी तरह मिक्स करके पकाना। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट मैं यूज़ करूँगी 2 टीस्पून, इसे भी मिला लें। सॉल्ट हम थोड़ा कम लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे लेमन सॉल्ट और टेस्टिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी टेस्टिंग पाउडर और लेमन सॉल्ट, टेस्टिंग पाउडर और लेमन सॉल्ट। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून, इसे भी मिला लें। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑफ कर्ड, इसे भी मिला लें। इसमें अब मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस, इसे भी मिला लें। नेक्स्ट मैं इसमें यूज़ करूँगी
हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कटे हुए टमाटर, इसे भी डाल के मिक्स कर लें। इसे हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज। इसमें और ऐड करूँगी थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून ऑफ पानी, इसे भी मिक्स कर लें। अब इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 विजल तक। मैंने इसे लिड क्लोज कर दिया है। अब मैं इसे 4 विजल तक पका लूँगी मीडियम फ्लेम पे। सीटी का फ्लेम निकल गया है, अब इसे हम ओपन करेंगे। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी वाटर। मैंने यहाँ पर 6 ग्लास वाटर के यूज़ किया है। इसे अब हम उबालने दें। इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कलर लिया है मैंने ऑरेंज कलर। इसे ढक के पका लेंगे उबाल आने तक। अभी हमारा उबाल आ चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी चावल। अब इसमें मैं ऐड करूँगी फ्राइड ऑनियन 1/2 कप। अब इसे हम पका लेंगे ढक के, 10 मिनट तक पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसे एक बार मिक्स कर लें। इसे ढक के पका लेंगे 5 से 10 मिनट तक, जब तक इसका वाटर अब्जॉर्ब नहीं हो जाता। 5 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं चेक कर लूँगी एक दफ़ा इसे चला के। इसे अब हम दम कर लेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी फ्राइड ऑनियन, धनिया पत्ता। इसे हम कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इसे 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसे प्लेटिंग करूंगी। हमारी मटन बिरयानी अब रेडी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।